सिद्धार्थ अंदाज ने फरमाया जो महबूब कहे वो कर देना, मेरे महबूब की ताक करना। अरे कुरान बोलते कल अकीबुल्ला अकी रसूल इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो मेरे मुस्तफा की, मुस्तफा की इताअत करेगा वो बोला खुदा की इताअत है, कसम खुदा की मेरे आका ने मना फरमाया। लेकिन इमाम हसन से रहा ना गया, कहा ना यार यही है, यही लोग हैं जो मेरे भाई हुसैन की सरबार को निगरानी कर रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया ये सबको फिनाल कर दे, फरिश्ता एक एक को फिनाल कर तेरा कर तेरा कर तेरा सी दिल थे 69 हो गए। अचानक कहा या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाइए, या रसूल अल्लाह उसके कर बता फरमाइए। आका ने फरमाया फरिश्ता रुक जा, इसने मुझे पुकारा दुश्मन है काफिर है उसे ने आजम का गद्दार मुस्तफा है, लेकिन मेरे आका रहमती आलमीन है। जैसे ही कहा ना आका मेरी मदद फरमाइए, मेरे आका ने फरमाया रुक जा फरिश्ते, क्या कहा रुक जा और तू भी है साथ में। यजीदी ने कहा हाँ आका हुसैन इस तरह की तू निगरानी करते हैं, कहा हाँ मेरे आका रसूल पाक ने इस तरह अपना दस्त पर मारा और कहा जा तेरे लिए जन्नत है, मेरी शहादत नहीं हो सकती, तू जन्नत में जाएगा। कहा के बस मेरी उस वक्त आकर ने जान तो बचा ली। शेख मोहम्मद सुलेमान कोफी कहते हैं क्या गलत बात यह है कि ही आका ने कह दिया कि मैं जन्म में जाऊंगा। शेख सुलेमान कहते मुझसे दूर हो जा, इसलिए आका ने कहा है तू तो जन्म में जाएगा। बताना ये है दुश्मन भी है, अगर आका से मदद मांगते हैं मेरे आका मदद फरमाते हैं। अब आओ आका हुसैन का सर मुबारक है। शेख अब्दुल हसन फरमाते हैं कि मैं रोजाना आका हुसैन के सर के पास आता रोजाना। शेख अब्दुल हसन नाम याद करना साले का कला किताब का हवाला दिया। और शेख अब्दुल हसन कहते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह मैं रोजाना आका हुसैन के सर पाक और कहता अस्सलाम वालेकुम या हुसैन। वाह वालेकुम सलाम से कबूल हसन कब सुभान अल्लाह कैसे जिंदा है आका हुसैन। आवाज देते हैं रोजाना देते रहे देते रहे देते रहे। एक रोज शेख कबूल हसन फरमाते हैं कि मैं आका हुसैन के सर के पास पहुंचा, कहा अस्सलाम वालेकुम या हुसैन, जवाब नहीं आया भाई जवाब नहीं आया। बेगम की हो गया, मैं रोता हुआ करके पहुंचा, पूरी रात काम कर रहा बेताब रहा, क्या जाकर उसे जो मुझे सलाम का जवाब नहीं दिया, मुझे सलाम का जवाब नहीं दिया, कसम खुदा के दूसरा रोज हुआ मैं आका हुसैन के सर के पास फिर पहुंचा। शेख अबुल हसन के थे फिर पहुंचा और पहुंचने के बाद अदर के साथ खड़ा रहा। शेख अबुल हसन के थे मेरे सलाम क्या सलाम अलैकुम या हुसैन, जब वालेकुम सलाम अबुल हसन कहो सुभान अल्लाह। जब सलाम का जवाब आया तो अर्ज की गई आका हुसैन मौला हुसैन आपने कल मुझे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया। तो आका हुसैन फरमाते हैं इसलिए कि कल तुम जब आए थे उस वक्त रसूल पाक की बारगाह में गया था, कहो सुभान अल्लाह मैं मदीना शरीफ गया था, मेरे नाना जान में गुफ्तगू कर रहे थे, कहो सुभान अल्लाह बातें कर रहे थे, इसलिए मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। आला हसी बस करते हैं तो जिंदा है वल्ला तो जिंदा है वल्ला मेरी चश्मे आल सुझाने वाले बलि दोस्त से बंदा यही आका हुसैन मौला हुसैन की सखावत देख रहा सखावत देखिए।
इसलिए कि आका हुसैन मौला हुसैन हक हुसैन अपने घर पे थे। एक खादमा सालन लेकर हुसैन आजम के पास आई, आई एक खादमा है और खादिम भी, तो खादिम हुसैन आजम का खादिम कैसा तकदीर वाला है उस नसीब, सालन लेकर कैसे आया, सालन आका हुसैन के कपड़े पर गिरा, अल्लाह गरम था, हुसैन आजम आए जला ले एक निगाह डाली, वो खादिम कांपने लग गया, खादिम कांपने लग गया, वो खादिम ने कहा जो गुस्सा पी जाता है अल्लाह मोहब्बत करता है, कहो सुभान अल्लाह, खादिम ने कहा जो गुस्सा पी जाता है अल्लाह मोहब्बत करता है, और दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान गुस्से पीने वाला है, पीने वाला गुस्सा पीने वाला, आका हुसैन जब ये सुना कहे मेरे खादिम ने गुस्सा पी गया, कहो सुभान अल्लाह, फिर खादिम ने कहा कि जो अल्लाह का अल्लाह के लिए नेकी करता है अल्लाह उसे पसंद करता है, क्या अल्लाह के लिए नेकी करता है अल्लाह उसे पसंद फरमाता है, आका हुसैन ने कहा सर मैं अल्लाह के खातिर तुझे आजाद कर रहा हूं, ये मेरे आका हुसैन की सखावत, अब इमाम हसन की सखावत सुनिए जरूर सही बढ़िया ना हो, हम क्या करते हैं कुत्ते को मारते हैं, हम क्या करते हैं कुत्ते को मारते हैं, कुत्ते के अंदर सीपर हमारे मारे वली बन जाए, ये मैंने कहता भाई गुस्तामी कहते हैं क्या बन जाए वली बन जाए, इसलिए कि जब वाली के पास कुत्ता बैठता है जब खाना दोगे तभी है, और उसे पत्थर मारो भी भाग जाएगा अभी आ जाएगा, ये वाली का वफादार है, ये वाली का वफादार है, और ये आदम अलैहिस्सलाम की ड्यूटी पर फुकाना शैतान तो मिट्टी निकाली देते जिब्राइल ने, इसलिए पूरी पूरी रात उसने सीखा थे पूरी पूरी रात, लेकिन वफादार ये कुत्ता वफादार है, ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला ने देखा एक ये मुसलमान कुत्ते को रोटी डालना है, का तेरा कोई अमल पसंद नहीं है अल्लाह को कबूल ही नहीं है, जो खाता हसन बस्ती पहुंचे एक गल इब्राहिम अदरी ये अलग अलग रिवायत है, खैर अल्लाह को ही पहुंचे तो वही आदमी सच्चे में सारे का या अल्लाह करम फरमा आवाज आती है लब्बे एले बंदे, तो कहते तुझे मकाम कैसे मिला, वही कुत्ते को रोटी डालता था अल्लाह ने वली बना दिया, कहो सुभान अल्लाह, तो कुत्ते को रोटी डालने वाला वली बन जाया करता है, पाए पुस्तावी रहमतुल्लाह ताला ले कुत्ते से बात करते हैं, हम तो मारते ना कुत्ते से बात करते हैं, कहे कुत्ता क्या हाल है तेरा, तो कहता है भाई पुस्तावी ये बताओ कि तुमने कौन सा अमल किया, कौन सा अमल किया कि तुम्हें अल्लाह ने वली बना दिया मुझे कुत्ता बना दिया, अब मेरा तो कोई अमल नहीं, क्या था मेरा तो कोई अमल नहीं है, इसी तरह इमाम हसन जा रहे थे रास्ते में एक अफसी शख्स एक रोटी का टुकड़ा खुद खा रहा और एक कुत्ते को डाल रहा, इमाम हसन ने देखा फिदा हो गया, अरे यार रुक गए, कहा यह अमल तेरा बहुत अच्छा है, ये बता कि एक रोटी का टुकड़ा तू खाता है वो एक कुत्ते को डालता है, कहा हजरत बात ये है जब मैं खाता हूँ कुत्ता देखता है तो मुझे हया आती है और शर्म आती है कि मैं खाऊं और ये भूखा है अल्लाह तो एक टुकड़ा डालता हूँ, तो आपको गुलाम है का हाँ का किसका का फला सेठ का इमाम हसन गए, देखो अल्लाह इमाम हसन गए और कहा कि तेरा वो हफसी गुलाम है कितने पैसे जो मांगता फरमा दो, और खादिम कहा से तुम्हारा गुलाम इमाम हसन आए, वो तो गुलाम तो हसी तो एक टुकड़ा डाक्टर होते खुद खाता, इमाम हसन ने कहा मैं खुश हुआ,
कहा कि तू जिसका मालिक था ना मैंने उसे खरीद कर दिए। क्या कहा? अब तू मेरा गुलाम हो गया। कहा ठीक है इमाम हसन, मैं आपका गुलाम। अब कहते ये दाम मुझे पसंद आ गए। क्या? तूने जानवर को खाना खिलाया, अदा पसंद है जानवर तुझे आदाब करता हूँ। अब सुभान अल्लाह यार, ये मेरे इमाम हसन की सकावत पर ये दुरुस्त नहीं बन रहा होगा। सुने आप भी दो बातें तीन शरीफ की रिवायत बयान करें। और सफन जी नंबर 2 सफन नंबर 218 280 ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए। उम्मे कुलसम ये फरमा रही थी जिसे रसूल पाक ने लिखी दी थी कि उम्मे कुलसम ये भी ईमान दे ले। मायसा सिद्दीका को नहीं दिया, हजरत मेमुना के मजा के मलेरा उन्हें नहीं दिया, हजरत फातिमा को नहीं। क्यों? आका जानते थे यही जिंदा रहने वाली उम्मे कुलसम को मिलती थी। कहा जब ये खून बन जाएगा मिट्टी, मिट्टी खून बन जाए तो समझ जा मेरा बेटा हुसैन से। लेकिन मदीना शरीफ पे उम्मे कुलसम सो रही है, खाक है वो मुस्तफा मोहब्बत उसको अधिकार कर लिया। प्रभु सुभान अल्लाह, आका का दीदार हुआ। उम्मे कुलसम लेते आज की या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ये दिल के बिखरे हुए खून ही खून है, हाथ में क्या है? का ये शीशा है। काका उस आका या रसूल अल्लाह ये शीशे पे क्या है? का खून है। कौन? मेरा बेटा हुसैन का खून है, अली अकबर का खून है, इमाम कासिम का कौन है, अबू बकर इब्ने अली का कौन, उस्मान इब्ने अली का कौन, उमर इब्ने अली का कौन, अब्दुल्लाह इब्ने अली का कौन, मोहम्मद इब्ने अली का कौन है, ये अबसलम दार का कौन है, आलो मोहम्मद का कौन है, कौन का ये बाकर करबला वालों का कौन है। अच्छा का कहा अभी अभी के करबला से आ रहा हूं, मेरे बेटे हुसैन को यजीद ने शहीद कर लिया, यजीद शहीद कर दिया। कसम खुदा की आका हुसैन मौला हुसैन का खुद मुबारक क्या शीशे में है। लेकिन जब खाम से लेटा हो गई अपने पास जो शीशा था वो मिट्टी की खून बन गई। क्या? वो मिट्टी की खून बन गई थी। रोने लग गई और मक्का शरीफ में अब्दुल्ला लेने हुए मेरे आका ख्वाब में आए, आज जमीन में वही है या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु आका ये क्या है शीशे में का बख्तर करबला का खून है। मैं अभी भी करबला से आ रहा हूँ तो मक्का वाले को बताया हजरत अब्दुल्ला ने और मदीना से ये बताया मैं रसूल पाक ने कि आप इसलिए उम्म सलमा को कहा कि आका हुसैन थे, आका हुसैन जिंदा है, एक आपके मिसाल दर उससे भी बड़ी अल्लाह होगा। मेरे आका हुसैन मौला हुसैन आजाद इसलिए कहा आका हुसैन बादशाह हस्ता हुसैन दी हस्ता हुसैन दी पना हस्ता हुसैन सारे के रहे कतले हुसैन असलम में मर गए यकीन है इस्लाम जिंदा होता है हर कबला के बाद आका हुसैन फातिमा की गोद में तो जिंदा आका हुसैन अली आजम की गोद में तो जिंदा आका हुसैन मौलाए कायनात की गोद में तो जिंदा रसूल पाक ने कहा आका हुसैन जिंदा सिद्दीक आजम ने कहा आका हुसैन जिंदा उमर फारूक का आका हुसैन जिंदा उस्मान वली का आका हुसैन जिंदा मौलाए कायनात ने कहा आका हुसैन जिंदा इमाम हसन ने कहा आका हुसैन जिंदा हजरत बिलाल ने कहा आका हुसैन जिंदा हजरत उमर ने कहा आका हुसैन जिंदा मक्का वाले ने कहा आका हुसैन जिंदा मदीना वाले ने कहा आका हुसैन जिंदा काबा ने कहा आका हुसैन जिंदा काबा में गिराह ने कहा आका हुसैन जिंदा मक्का वाले ने कहा आका हुसैन जिंदा सहा ने कहा आका हुसैन जिंदा मरवा ने कहा आका हुसैन जिंदा करबला वाले ने कहा
हुसैन जिंदा इसलिए कि अजान बांगी के रहा है आका हुसैन जिंदा, इमाम के रहा है आका हुसैन जिंदा, मिंबर के रहा है आका हुसैन जिंदा, चांद के रहा है आका हुसैन जिंदा, सूरज के रहा है आका हुसैन जिंदा, सितारा के रहा है आका हुसैन जिंदा, समुद्र के रहा है आका हुसैन जिंदा, जमीन के रहा है आका हुसैन जिंदा, जिंदा के रहा है आका हुसैन जिंदा। जब मेरे आका हुसैन, मेरे आका हुसैन नमाज के लिए खड़े हुए, कयाम में तो जिंदा, रुकू में तो जिंदा, जब सजदे में गए, सजदे में गए तो सिमरन ने सर अलग कर दिया। अब कुरान के दया का उसे जिंदा है। कुरान के दया का उसे जिंदा है। जो अल्लाह की आमिर सही हो रहा है वो जिंदा है। आका फरमाते हैं, अरे वक्त नहीं है, 34 सिर्फ शहीद की फकीरत एक सुनिए। इसलिए के जब शहीद पर गर्दन पर खंजर चलता है ना, खंजर अल्लाह अपना दीदार अदा फरमाते, कब उसको भाग लेना, क्या फरमाता दीदार उसके कोई तकलीफ आता हो, चुटकी में पटका भरने के लिए इतना ही दर्द है। हाँ पूरी नमल अलग इतना ही दर्द, लेकिन आका हुसैन देखो बैठे नमाज के लिए। आपको नहीं बात सुनाओ, बैठे सिमर आया छाती पे चला रहे तलवार चलती नहीं, कहो सुभान अल्लाह। ये करामत मेरे आका हुसैन के, कातल पर तलवार नहीं चलती। काय सिमर तेरे मकान खोल, खोले तो दांत से खोलिए। मेरे आका ने फरमाया मेरे नाना जान ने कि कोई शख्स होगा और कासिम अरसल मेरी गर्दन नहीं करते इसलिए कि रसूल पाक ने चुमा है, कहो सुभान अल्लाह। अगर तुझे मान रहे मुझे जब सजदे में जाऊं तब मान, आई बात ये भी बता रहे मेरे आका उसे, जब सजदे में गए खंजर चला और खोली ने वो सर उसे उठाया नेजा पर रखा और आका हुसैन के सर हाथ से पैर से आवाज रहेगी सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। जिस्म के टुकड़े टुकड़े हुए सुभान रब्बिल आला की आवाज लगाएगी। सात हुसैन बादशाह, अस्त हुसैन दी, अस्त हुसैन दी माना अस्त हुसैन। मेरा आका हुसैन कल भी जिंदा है, आज जिंदा है, सुबह जिंदा है। बस दुआएं करना जो कुछ पढ़ा मेरे गोले में काफी है। तमाखना मौला हुसैन ने बार कभी की किसी तरह की है जितने मौले वाला 10 हो जाना हमारा प्रोग्राम बता सिद्धर की मौला इन सब की हाजिर को कबूल अता फरमा। इनके घर जाने से पहले तमामों की दिलों की है तमन्ना पूरी अता फरमा। सभी को मक्का मदीना का दीदार नसीब अता फरमा, मौला हुसैन का दीदार नसीब अता फरमा। मौला मेरे गोले में खामी है तो माफ फरमा। मौला 10 रोजा में जिस तरह की नियाजे हुई, मौला मोहल्ले में शाम को नियाजे हुई, अभी नियाजे हो रही है, इन सब की नियाजों को कबूल अता फरमा। मुस्लिम ने मुराद कमेटी को और तरक्की अता फरमा। उनके जितने अराकीन है सबकी मौला रोजी में बरकतें अता फरमा, उम्र में बरकतें अता फरमा। जितने सुन रहे मौला इन सब की हाल में कबूल अता फरमा, सबकी उम्र बरकत अता फरमा। मेरा मेरे गोले में खाम फरमा, हम सभी फरमा बता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आखिर तावन सलाम।